फ्रेंड्स आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन माय फर्स्ट पार्ट आई विल टेल यू अबाउट थ्री बेस्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और उनकी लोकेशंस या वो कौन सी टेरिटरी या स्टेट में लोकेटेड है। एंड अलोंग विद दैट आई विल आल्सो टेल यू के उन यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड इन माई सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो आई विल टेल यू मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जहां पे स्टडी करने जाते हैं दैट इज मेलबर्न एंड सिडनी, और उन दोनों सिटीज की मैं आपको टेरिटरीज के बारे में बताऊंगा अलॉन्ग विद देयर बेस्ट यूनिवर्सिटीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू अवर नंबर वन स्टेट एंड अवर नंबर वन यूनिवर्सिटी। जिस स्टेट की मैं बात करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। दैट इज द कैपिटल टेरिटरी ऑफ अवर ऑस्ट्रेलिया। और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूं दैट इज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड इन कैनबेरा। ये यूनिवर्सिटी नंबर वन रैंक है इन ऑल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। पिछले 8 से 9 साल तक ये यूनिवर्सिटी ने अपना नंबर वन रैंक होल्ड किया हुआ है इन ऑल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है अपने रिसर्च पीएचडी एज वेल एज मास्टर्स कोर्सेज के लिए। जिस स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोफाइल 80% से ऊपर है, आईएलटीएस में 6 सीट है, आई विल हाईली रिकमेंड के स्टूडेंट्स इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। वीजा सक्सेस रेट इज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज अराउंड 100% एंड दिस यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर बायोकेमिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज एज वेल योर बिजनेस कोर्सेज। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जो पर्थ में जाके स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पर्थ जो सिटी है दैट इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अराउंड 392 तरह के कोर्सेज ऑफर करती है। एंड इंटरेस्टिंगली ये एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल्स तक पे आपको यहाँ पे कोर्सेज या बैचलर डिग्री आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। एंड कई स्टूडेंट्स पंजाब एंड हरियाणा के लैंड इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज भी करना चाहते हैं, अगेन उनके लिए इस यूनिवर्सिटी में काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबल क्राइटेरिया है आपके आईएलटीएस में 6 होने चाहिए विद नो लेस देन 5.5। अगर आपने बैचलर कोर्स में एडमिशन लेनी है, अगर आपने मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेनी है, यू नीड 6 इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल। यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद योर स्पाउस। अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जॉनसन यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट पे 3rd रैंक पे है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है एडिलेड में, जो कि कैपिटल सिटी है साउथ ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी की। एज एडिलेड एक रीजनल एरिया है, रीजनल एरिया में स्टडी करने के काफी एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज दिस योर हाई वीजा सक्सेस रेट। अगेन अगर मेलबर्न में 20 फाइलें लगती हैं तो उसमें से अराउंड सक्सेस रेट 15 से 16 फाइलों का होता है अगर हम आजकल की बात करें। यही अगर आप एक रीजनल एरिया एडिलेड पर्थ या तस्मीनिया जैसे रीजन में अप्लाई करते हैं, यही सक्सेस रेट आपको 20 में से 20 तक का या 19 फाइलों का आपको सक्सेस रेट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल वीक है वो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप प्लीज रीजनल एरिया में एक बार अपनी फाइल जरूर कंसीडर कीजिए। एंड योर सेकेंड एडवांटेज इज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। काफी स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया जाके ही अपनी फीसिस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। दे आर नॉट सो वेल ऑफ के वो हर सेमेस्टर की फीस इंडिया से मंगवा सके, बट रीजनल एरिया में अगर आप स्टडी करने जाते हैं देयर आर मैनी वर्क अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। वहां पे आपको काम की अपॉर्चुनिटीज मेलबर्न सिडनी जैसे शहरों से ऑलमोस्ट डबल मिलेगी और आपका वहां पे पे स्केल भी काफी ज्यादा रहेगा। अब मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता बट यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पे स्केल एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन रीजनल एरिया। एंड योर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर परमानेंट रेजिडेंसी। एक बेसिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर उसने मेलबर्न या सिडनी में पीआर लेनी है तो उसको अराउंड 6 to 7 इयर्स का प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसमें उसकी 3 साल की डिग्री, उसके बाद उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, देन उसका वर्क वीजा एंड योर स्पॉन्सरशिप। यही अगर आप तस्मेनिया, एडिलेड या पर्थ जैसी सिटीज में अप्लाई करते हैं तो ये आपका प्रोसेस शॉर्ट रहेगा अराउंड 3 to 5 इयर्स का एंड आपके पीआर होने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। अगेन टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडी करना चाहते हैं, एक बारी गूगल पे जाके रीजनल एरियाज को जरूर सर्च आउट कीजिए, एडवांटेजेस देखिए रीजनल एरिया में स्टडी करने के लिए।
कंपेयर कीजिए उसको ऑस्ट्रेलिया के अर्बन सिटीज से एंड देन मेक योर डिसीजन टू डू योर हायर स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. दैट्स द एंड ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड हम जल्द से जल्द आपके साथ इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी शेयर करेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज और उनकी टेरिटरीज की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया जाएगा.